है व्यूवर्स, थाने घोड़बंदर एरिया में अगर आप 1 और 2 BHK फ्लैट देख रहे हो तो आज का प्रॉपर्टी आपके लिए है, आज का टूर आपके लिए है। सो आपके 1 BHK फ्लैट की जब बात करते हैं, आपके फ्लैट में जब आप एंटर करते हो ब्रास फिटिंग की डोर है, आपका लिविंग रूम आ जाता है। लिविंग रूम किस तरह का है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, मैं 2 BHK फ्लैट भी दिखाऊंगा, तो 1 BHK का पहले बात कर लेते हैं। आपका लिविंग रूम में एंटर करोगे डाइनिंग सेक्शन आ गया, एक स्टोरेज के लिए एक एरिया दिया हुआ है, आप स्टोरेज बना सकते हो, अपना मंदिर बनाना है मंदिर प्लान कर सकते हो, एक स्पेस होने की वजह से आप उसे मल्टीपल वे से यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी आपका लिविंग रूम में आपका सोफा प्लान करना है तो कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हो, एल शेप में प्लान करते हो तो भी आपको स्पेस इश्यूज नहीं आएंगे। एक फुल साइज में विंडो देखने को मिलती है, काफी बड़ी विंडो के सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। वेंटिलेशन के हिसाब से दिस मेक्स इट वेरी वेंटिलेटेड, मतलब आपका जो फ्लैट में विंड का फ्लो, इसमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका विंडो का साइज़ कितना बड़ा है वो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आप एक तरह से व्यू के हिसाब से देखेंगे तो आपको व्यू के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, माउंटेन फेसिंग फ्लैट होने की वजह से या फिर सिटी फेसिंग में भी आपके पास एमिनिटीज़ का इतना प्यारा सेगमेंट दिया हुआ जिससे आपको बहुत ही प्यारा व्यू आपकी विंडो से आपको देखने को मिलेगा। आपके फ्लैट में दूसरा सेक्शन दिखा रहा हूँ किचन का, किचन में आपको 2 ग्रेनाइट काउंटरटॉप के साथ में आपका किचन डिजाइन करके मिलेगा। अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर आप फ्लैट देख रहे हैं तो ये फ्लैट आपको बहुत पसंद आएगा। 1 BHK का कारपेट एरिया, 1 BHK का फ्लैट आपका बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में शुरू होता है। मैं आपको ये वीडियो के एंड में बताऊंगा कितना प्राइस एग्जैक्टली आता है। आपने किचन देख लिया, किचन में अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, 2 ग्रेनाइट काउंटरटॉप, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की जगह आ जाती है, वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिलेगा। दूसरा सेक्शन है ये आपका बाथरूम एंड टॉयलेट। बाथरूम एंड टॉयलेट में आपको फिटिंग फिक्स्चर्स जो मिलते हैं वो सारे के सारे आपको कैरोवेट के डिजाइन कैरोवेट मिल जाते हैं, कजारिया का ब्रांड है ये, एंड फिटिंग फिक्स्चर सारे के सारे ब्रांडेड क्वालिटी के हैं। उसे टच करते ही आप उसका ब्रांड का या फिर उसका क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। मास्टर बेडरूम की बात करें तो मास्टर बेडरूम में आपको आपके बेड के लिए जगह मिल जाएगी। मूविंग स्पेस में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपकी मूविंग स्पेस है। सो ये आपकी मूविंग स्पेस है, इसके अंदर आपका बेड डिजाइन हो जाता है, एक वार्डरोब के लिए प्रॉपर सेटअप मिल जाता है आपको। मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ इसमें कैसा है। अगर आप वार्डरोब प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर जगह मिल जाती है, वार्डरोब पूरा प्लान कर सकते हो, बड़ा सा डेप्थ अच्छी खासी है, आपका प्रॉपर वार्डरोब आ जाएगा, इतनी स्पेस इसमें दी हुई है। ये बाथरूम एंड टॉयलेट का सेक्शन उस साइड में मिल जाएगा, और इसके अलावा भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस आपके बाथरूम एंड टॉयलेट में देखने को मिलेगी, वो स्पेस है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिलती है, ये अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, स्टोरूम बना सकते हो, प्लान कर सकते हो, चीज़ें अपने हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। 2 BHK फ्लैट दिखाता हूँ, दिस वॉज योर 1 BHK फ्लैट। सो आपके 2 BHK फ्लैट की बात करें तो ब्रास फिटिंग की डोर, सेम लिविंग रूम, लिविंग रूम का साइज थोड़ा बढ़ जाता है अगर आप 2 BHK में आते हो तो। 2 BHK में आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस सेम उसके जैसी ही देखने को मिलेगी 1 BHK जैसी, बट ये थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है आपको, स्टोरेज थोड़ा बड़ा कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से टेंपल प्लान करना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी आपका लिविंग रूम इतना स्पेशियस है कि आप प्रॉपरली सेटअप बना सको अपना डाइनिंग सेक्शन, सिटिंग एरिया, और फुल साइज में विंडो सेक्शन इसमें भी देखने को मिलेगा, बड़ा सा विंडो सेक्शन है, वेंटिलेशन के हिसाब से प्रॉपर चीज़ें आपको बनाई हुई है। किचन, किचन के सेटअप सेम मिलेंगे बट किचन थोड़ा बड़ा हो जाता है 2 BHK के हिसाब से। आपका किचन का सेटअप कुछ इस तरह से है कि आपका 2 ग्रेनाइट काउंटरटॉप, स्टेनलेस स्टील सिंक और फिटिंग फिक्स्चर्स जो भी हैं आपके फ्लैट के वो तो सारे ब्रांडेड क्वालिटी के आपको देखने को मिलेंगे। कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट की बात करूं तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, शावर सेक्शन, कमोड सेक्शन, वॉश बेसिन सेक्शन, एंड इसे डिजाइन भी कुछ इसी तरह से किया है कि आपका स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाए बाथरूम एंड टॉयलेट में। एंड इसमें फिटिंग फिक्स्चर्स आप देखोगे, टच करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। कॉमन बेडरूम की बात करूं तो इसका साइज आपका कुछ इस तरह से है, मूविंग स्पेस आप देख सकते हो, आपका मूविंग स्पेस कुछ इस तरह से आता है, मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपका आ गया कॉमन बेडरूम, मास्टर बेडरूम इससे थोड़ा बड़ा है, वार्डरोब के लिए प्रॉपर सेटअप देखने को मिलेगा किस तरह से आप बना सकते हो। इसमें भी डेप्थ आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 2 फीट तक का डेप्थ आपको देखने को मिलेगा,
तो कुछ इस तरह से आप प्लान कर सकते हो अपना 2BHK कॉमन बेडरूम, और नीश एरिया मिलता है प्रॉपर आपको आपके पूरे फ्लैट में। 2BHK फ्लैट की अगर मैं बात करूं तो 2BHK फ्लैट का मास्टर बेडरूम कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको देखने को मिलेगा। उस साइड में पूरा वार्डरोब का सेटअप आपको दिख रहा है। 2 फीट तक के डेप्थ के साथ में आपको वार्डरोब का सेटअप प्लान कर सकते हो। इस पूरे वॉल को सिर्फ वार्डरोब के लिए भी डिज़ाइन करते हो तो भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा स्पेस का। और एक एक्स्ट्रा स्पेस अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ये बनाने के बाद भी आपके पास वार्डरोब के लिए बहुत जगह अवेलेबल है आपके फ्लैट में। बाथरूम एंड टॉयलेट का सेटअप कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपका पूरा बाथरूम एंड टॉयलेट आ जाता है, आपका वॉश बेसिन, कमोड सेक्शन, और थोड़ा सा अंदर आएंगे तो कुछ और चीज़ें हैं आपके फ्लैट में जो इसे स्पेशल बनाती है। यहाँ पर 4 सेक्शन और एक्स्ट्रा एरिया है जो इतना ही बड़ा, जितना बाथरूम का स्पेस है उतना ही बड़ा आपको अंदर साइड देखने को मिलेगा। मैं तो वीडियो आपको अलग से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से स्पेस है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 2BHK फ्लैट, 1BHK फ्लैट थाने घोड़बंदर लोकेशन, तो ये फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हो। हाइपर सिटी मॉल, डी मार्ट, ये सब नियर बाय में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी लोकेशन है, अच्छा प्राइसिंग है, मेट्रो स्टेशन के नियर बाय है, थाने की लोकेशन में काम करते हो, रहना चाहते हो, तो ये सब क्राइटेरिया में ये फ्लैट आपको पसंद आएगा। प्राइसिंग की बात करते हैं, सो 1BHK फ्लैट का प्राइसिंग आपको 40 लाख के आसपास देखने को मिलता है। 40, 43, 44 लाख में आपका पूरा पैकेज बना के मिल जाता है, सो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ में। 2BHK फ्लैट प्लान कर रहे हो, 58, 59 से प्राइसिंग शुरू होता है। पैकेज की बात करूँ तो 62, 65 तक में आपको पूरा पैकेज बना के मिल जाता है। डिपेंड करता है कौन सा फ्लोर ले रहे हो, कौन सा फ्लैट ले रहे हो। हायर फ्लोर 34th फ्लोर तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और प्राइसिंग में इनके पास कारपेट एरिया में भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस एट थाने लोकेशन, घोड़बंदर लोकेशन, देन डू लेट मी नो। दिस इज उदेश गुप्ता एंड दिस इज माई नंबर, एंड स्केड्यूल योर विजिट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड फ्लैट्स हैं, एंड लिमिटेड इन्वेंट्री के लिए लिमिटेड प्राइस है। कॉल नाउ।